सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि सरदार सर ने मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा। ठीक है, तो यहाँ झूठी बात नहीं है, यहाँ सच्ची बात है। आपको मैं बाद में प्रूफ भी दिखाऊंगा, बिल्कुल मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। झूठी मूठी वीडियो नहीं बना, प्रूफ भी दूंगा। लेकिन देखिए, आप जानते हैं कि सरदार सर बहुत ही बड़ी उपलब्धि अपने आप, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। ठीक है, सरताज क्लासेस के नाम से चैनल है, उसके लिए इंग्लिश सर ने पढ़ी है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं आप। सरताज क्लासेस बहुत ही अच्छे टीचर हैं, इंग्लिश कॉमेडी तरीके से पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझसे मेरा व्हाट्सअप नंबर क्यों मांगा, मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। क्यों मांगा और क्या बात थी, मतलब किस प्रकार से उन्होंने मुझसे क्या कहा, सब बताने वाला हूँ वीडियो को। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि सरताज सर तक पहुँच जाए। वैसे सरताज का नंबर मेरे पास में आ गया है, लेकिन मैं उनको व्हाट्सअप नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ यह वीडियो मेरी देखे, ठीक है, यूट्यूब से ही देखे। ठीक है, शेयर करके अपने नंबर पे नहीं भेजूंगा, क्यों वो बाद में बता दूंगा आपको। देखिए, सरदार सर ने मुझसे मेरा व्हाट्सअप नंबर क्यों मांगा। देखिए, मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने 4 या 5 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी। वो क्यों की थी, देखिए, सरदार सर मेरे सपने में आए थे। सपने में क्यों आए थे, क्योंकि मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ, ठीक है, अपना आदर्श मानता हूँ। मैं भी उनके जैसे एक यूट्यूबर और एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, वो भी इंग्लिश का ही। मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है, सचिन सर भी पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, और ठीक है, धीरे धीरे मनोज सर, संदीप सर और जी डी सर तो मैथ पढ़ा ही रहे हैं, सब यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है हमारे। अगर आपने चैनल नहीं देखा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियोज़ को, ठीक है, एक बार देखिए। यहाँ पर ऐसे के सरताज सर ने मुझे व्हाट्सअप नंबर, देखिए मैंने क्या कहा, जो वहाँ पर हमने जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में देखे मैंने क्या भेजा था कि सरताज, जब मेरा सपना आया था, ड्रीम आया था मुझे सरताज सर का, ठीक है, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी। तो 4-5 महीने से वीडियो अपलोड थी वो, तो वो सरताज सर ने वह कल देखी है। ठीक है, जो वीडियो मैंने डाली थी वो सरदार सर ने किसी ना किसी तरीके से कल देख ली। मैंने शेयर भी नहीं, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सअप नंबर कुछ भी नहीं था उनके पास में, उन्होंने खुद ही यूट्यूब से देखा है, सर्च करके देखा है, किसी प्रकार से उनके पास पहुंच गए। उन्होंने मुझसे फिर मुझे ईमेल किया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ में ईमेल किया सर ने मुझे, ठीक है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूबर, बहुत अच्छा टीचर है, मेरा आइडल मुझे खुद ईमेल कर रहे हैं, मुझसे मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगा, मेरे लिए बहुत ही आदर्श की बात है। ठीक है, मुझे बहुत ही प्राउड फील हो इस प्रकार से। सरदार सर को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर, ठीक है, धन्यवाद सर। अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो देखिए, हमारे फिर सर ने ईमेल किया, तो देखिए हमारी बहुत सारी बातें हुई। मैंने सर को नमस्कार कहा, सर ने मुझे लव यू भी बोला, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी बातें भी की हमने। और मैंने सरदार सर से इतना पूछा कि सर आप इतनी अच्छी वीडियो कैसे बना लेते हैं, तो सर ने मुझे बताया कि हम एडिट करते हैं वीडियो को अच्छी तरीके से, ऐसे ऐसे। फिर मैंने कहा, सर मैं भी आपको जैसी वीडियो बनाना चाहता हूँ, आपको जैसे एडिटिंग करना चाहता हूँ, कैसे? तो सर बोले कि लैपटॉप मोबाइल वर्जन से मैं करता हूँ, पर सर बोले। तो फिर सर ने कहा, सर मुझे भी सिखाओ। सर बोले कि मैं आपको इस बेस पर एक वीडियो दूंगा, ठीक है, मेरे चैनल पर, उनके चैनल वीडियो आएगी कुछ दिन बाद। उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगा, मैं एडिटिंग वीडियो कैसे करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से भी डिटेल में वीडियो सर बताएंगे। देखिए, सर ने मुझे ईमेल किया, मुझे व्हाट्सएप नंबर मांगा, मुझे बात किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा एक बार फिर से, ठीक है, धन्यवाद सर, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है सर, मैं आपसे मिलने भी जरूर आऊँगा, मुझे पता है आप दिल्ली के हैं, तो मैं मिलने जरूर आऊँगा। जब भी मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा, और मेरा सपना भी रहा है हमेशा से, मैंने पिछले ड्रीम वाली वीडियो में भी बताया है आपको, ठीक है सर। तो देखिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि सरदार सर ने मुझसे मेरा व्हाट्सअप नंबर क्यों मांगा, बिल्कुल फेंक नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके, बिल्कुल रियल बात है। तो आप मुझे अब सरदार सर के कहने से ही या कुछ कुछ भी प्रकार से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो वीडियो सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे थे, मुझे और कुछ नहीं है। तब तक के लिए बने रहिए कपिल शर्मा अभिवचन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।